अपने पहले ही मैच में 15 चौके और 4 छक्के लगाकर 130 रन। अगर सरफराज खान ने यह कमाल राजकोट टेस्ट की 2 पारियों में 2 अर्धशतक लगाने की बजाय अगर एक ही पारी में शतक लगाकर हासिल किया होता तो शायद उनकी भी उतनी ही वाहवाही हो रही होती जितने की उनके साथी खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल को मिल रही है। मुंबई के 26 साल के इस बल्लेबाज को अपनी टेस्ट कैप के लिए जितना इंतजार करना पड़ा उसकी तुलना हाल के सालों में शायद किसी और खिलाड़ी के साथ नहीं की जा सकती। बहरहाल जब राजकोट टेस्ट के पहले दिन सरफराज खान बल्लेबाजी करने उतरे तो उनकी चाल के साथ साथ बल्लेबाजी के अंदाज को देखते हुए भी कभी भी ऐसा नहीं लगा कि शायद वो किसी तरह की परेशानी में है। होते भी कैसे, जिस बेटे ने अपने पिता को पिछले एक दशक में हर साल ऑफ सीजन में कार से हजारों किलोमीटर का सफर करते हुए क्रिकेट के जरिए भारत दर्शन करते देखा हो, उसके लिए तो टीम इंडिया के लिए टेस्ट खेलना पूरे परिवार की तपस्या पूरे होते देखने जैसा। टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज विजय यादव की फरीदाबाद में अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी हो, मोहम्मद शमी के घर का मैदान हो, देहरादून की क्रिकेट एकेडमी हो, कानपुर में कुलदीप यादव की कोसी एकेडमी हो, गाजियाबाद में TNM क्रिकेट एकेडमी हो, मथुरा की अचीवर्स क्रिकेट एकेडमी हो, मेरठ में भुवनेश्वर कुमार के कोच संजय रस्तोगी की क्रिकेट एकेडमी हो, दिल्ली के भरतनगर में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज की क्रिकेट एकेडमी हो, लखनऊ में विश्वजीत सिन्हा की क्रिकेट एकेडमी हो, या फिर आगरा, लखनऊ और गोरखपुर जैसे कितने शहरों की दर्जनों क्रिकेट एकेडमी हो, सरफराज को उनके पिता इन सभी जगह ले गए। सरफराज खान के पिता नौशाद खान, जो उनके पहले कोच भी हैं, उनके समर्पण की कहानी आप भारत के हर कोने में अलग अलग क्रिकेट एकेडमी और उनके कोचों से सुन सकते हैं। हर कोई सब नशाद को यही तसल्ली और ढाढ़स देता है कि ऊपर वाले के घर पे देर है पर अंधेर नहीं, और देर सवेर ही सही उनका बेटा भारत के लिए टेस्ट जरूर खेलेगा। और कहते हैं ना, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, ऐसा है कुछ नौशाद के साथ भी हुआ। इसी महीने उनके छोटे बेटे मुशीर खान को साउथ अफ्रीका में अंडर-19 वर्ल्ड कप में हर कोई शतक के बाद शतक लगाते देख रहा था, और दूसरी ओर उनके बड़े भाई सरफराज को भी आखिरकार मौका मिल ही गया। भारतीय क्रिकेट में सुनील गावस्कर के अलावा सिर्फ 2 और बल्लेबाजों दिलावर हुसैन और श्रेयस अय्यर ने अपने पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने का कमाल दिखाया था। अब ऐसा ही करते हुए सरफराज मुंबई के मशहूर बल्लेबाजी घराने के तीसरे सदस्य बन गए। लेकिन सरफराज की बल्लेबाजी में वो चिरपरिचित मुंबई का खड़ो अंदाज नहीं बल्कि छोटे शहरों वाली बेफिक्री और खुशमिजाज अंदाज भी दिखता है। इसके 2 कारण है। पहला ये कि सरफराज मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हैं और जीवन में बहुत संघर्ष से गुजरते हुए इस जगह पर पहुंचे हैं, और दूसरी ये कि सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी को देखकर बड़ा होने वाला बल्लेबाज रोहित शर्मा के विस्फोटक अंदाज का भी बेहद मुरीद है। सरफराज के इस अनूठे अंदाज को देखते हुए गावस्कर ने कमेंट्री के दौरान एक नया विशेषण गढ़ा। जिस वक्त जायसवाल और सरफराज की जोड़ी इंग्लैंड के गेंदबाजों की ऐसी पिटाई कर रही थी मानो किसी स्कूल या क्लब के गेंदबाजों की धुलाई कर रहे हो, उस वक्त सुनील गावस्कर ने कहा, ये नवी मुंबई स्कूल ऑफ बैटिंग का अंदाज है। गावस्कर ने इंग्लिश कमेंटेटर ग्रीन स्वयं को समझाते हुए कहा, जिस तरह से पिछले कुछ दशक में अब मुंबई शहर फैलते हुए नवी मुंबई तक पहुंच गया है, ठीक उसी तरह मशहूर मुंबई घराने की बल्लेबाजी में भी नया बदलाव आ चुका है। मुझको इस उम्र में आराम नहीं करना है, अपने सपनों को नाकाम नहीं करना है, मेरा रास्ता बड़ी दूर तक जाता है, पड़े कोई बस्ती फिर भी शाम नहीं करना है। सरफराज के पिता शायरी के बड़े शौकीन हैं। अपनी कार में जब वो अपने दोनों बच्चों के लिए ऑफ सीजन में ड्राइवर की भूमिका निभाते हैं तो उन्हें प्रेरित करने के लिए शराना अंदाज में इसी तरह हल्के अंदाज में बातें करते हैं। बहरहाल सरफराज ने अपने करियर की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की और उनके खेल में बहुत सारे जानकारों को कई मायनों में 1990 के दशक के मुंबई के ही एक और प्रतिभाशाली बल्लेबाज विनोद कांबले की झलक देखने को मिलती है। कांबले बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, लेकिन जिस तरह से तेंदुलकर जैसे समकालीन दिग्गज के सामने भी उन्होंने अपनी एक अलग छवि बनाने में कामयाबी हासिल की थी, उसे कमतर आंका नहीं जा सकता। आज सरफराज के सामने मुंबई के ही और उनके 4 साल के जूनियर जायसवाल हैं, उनसे उनकी तुलना होगी। जाहिर सी बात है, जायसवाल इस रेस में आगे चल रहे हैं क्योंकि वो तीनों फॉरवर्ड में शानदार शुरुआत कर चुके हैं। सरफराज खान शायद क्रिकेट के सबसे छोटे फॉरवर्ड में ना खेल पाए, लेकिन संजय मांजरेकर जैसे पूर्व खिलाड़ी का मानना है कि वनडे क्रिकेट में सरफराज जैसे खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए मिडिल ऑर्डर में बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। कामली को शुरुआती कामयाबी के बाद स्टार्डम के नशे और फिर उसके बाद लगे झटके से उबरने के लिए उनके करीब कोई ही था, लेकिन 26 साल के सरफराज ने भारत के लिए खेलने से पहले ही क्रिकेट के मैदान पर कई झटके सह लिए हैं और मानसिक रूप से वह ज्यादा मजबूत, दिल में जो था वही करता चला गया, मंजिल समझ कर बैठ गए थे जिस पर कई लोग, ऐसे रास्तों से मैं गुजरता चला गया। ये भले ही सरफराज के पिता नौशाद की बेहद पसंदीदा शायरी के अल्फाज हैं, लेकिन इस खिलाड़ी के लिए उनके क्रिकेट दर्शन का अभिन्न हिस्सा भी है। उम्मीद की जा सकती है कि अगर इंग्लैंड के खिलाफ
रांची और धर्मशाला में भी सरफराज का बल्ला चमका तो उन्हें टीम इंडिया के लिए हवाई जहाज से अलग अलग मुल्कों में लाखों किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा। ये उनके पिता के लिए बड़ी गुरुदक्षिणा होगी, जिन्होंने अपनी कार से अब तक 1.5 लाख किलोमीटर में से 90% हिस्सा सिर्फ सरफराज की क्रिकेट के लिए तय किया है। वैसे आपका क्या मानना है, क्या सरफराज खान भविष्य के लिए तैयार है? आप अपनी बात हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।